हेलो फ्रेंड, मिस सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया चीज़ सिखाने जा रही हूँ। यदि घर में खाना का यदि दाल बच जाए तो उसका इस्तेमाल कैसे करूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत बच्चे को दाल पसंद नहीं होता है, बड़े को भी दाल पसंद नहीं होता है, तो उसे दाल इस तरह से खिलाए। इस बचे हुए दाल से मैं आटा लगाऊंगी। और इसी आटा में स्वाद के लिए थोड़ा अजवाइन भी डाल देती हूँ। थोड़ा हल्का और नमक, और दाल में नमक है थोड़ा सा। और इसे मैं नॉर्मल जैसे आटा लगाते हैं उस तरह लगा के मैं इसका पराठा बना के आपको दिखाऊंगी। आप पराठा बनाए या रोटी भी बना सकते हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, दाल से तो पूरा आटा नहीं सनेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को लगा लें। ये देखिए आटा सन चुका है। अब मैं थोड़ा हाथ में रिफाइंड तेल लेके और इसे और मसल के चिकना कर लेती हूँ। देखिए आटा तैयार है। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी और फिर इसका पराठा बनाऊँगी। इसका पराठा बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप यदि पराठा पसंद नहीं करते हैं तो आप सिंपल रोटी भी बनाएं, घी लगा के खाएं। और बच्चा यदि दाल खाना नहीं चाहता है तो उसे इस तरह छुपा के दाल खिलाएं। अब मैं गैस ऑन करके आपको पराठा बना के दिखाती हूँ। जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं इस तरह आप बना लें। देखिए इस तरह पराठा बनके तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर बनाएं। बचे हुए दाल को आप फेंके मत, इस्तेमाल कर लें। मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।